माय गॉड, इतना इन्वेस्टमेंट इनोवेशन के नाम पे करना पड़ेगा। इंडिया को अगर बदलना है तो इनोवेशन करना पड़ेगा। यही माइंडसेट है लोगों की कि इनोवेशन के रास्ते से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिसने इनोवेशन किया वो खुद बर्न हो गया, वो टाइम के पहले आ गया, बहुत पहले आ गया था मार्केट में, जैसे WPC या ऐसे हजारों प्रोडक्ट हैं जिसको ये बोल के कि ये बहुत टाइम के पहले या ये टाइम के बहुत बाद में है, इसका इनोवेशन और इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने का वर्थ नहीं था। बट आप समझिए, मेरा फोकस या हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फोकस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे है। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। एट प्रेजेंट आई एम इन जापान। ये 30x20 की साइट है, छोटी सी साइट। इसमें इन लोगों ने 3 घर बनाए हैं, 3 इंडिविजुअल हाउसेस, एंड दे आर फेचिंग मोर देन 70-80,000 रुपीज रेंट फॉर ओनली 3 नाइट्स। एवरी प्रोडक्ट यूज हियर इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। एक वुड है तो भी क्वालिटी है, एक पेंट है तो क्वालिटी है, एक साइन बोर्ड है तो क्वालिटी है, एक टिम्बर है तो क्वालिटी है। Everything, steel, light, everything. Most advanced houses in the world यहाँ पर बनते हैं। छोटी छोटी टीनी साइट्स फैच ए ह्यूज मनी। मुझे इंडियंस और अपने हिंदुस्तान के आने वाले कल्चर के ऊपर पूरा भरोसा है कि आने वाला समय इनोवेशन के लिए तैयार हो गया है। उनको एक बेटर प्रोडक्ट की ज़रूरत है। खाली अपनी जो चैनल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डीलर्स हैं, उनको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। वो बाहर निकलते नहीं हैं, बाहर जाके देखते नहीं हैं, सिर्फ जो कॉपी होता है उसी को करने के लिए इजी बिजनेस में जाने की कोशिश करते हैं। मुझे उन सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से अपील है कि आप एक बार अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके ये सोचिए कि अगर आप उसकी प्रोडक्ट में इनोवेशन करते हो तो आपके शेल्फ पे या आपके स्टोर में कस्टमर का इनवर्ड, कस्टमर का इंडल्ज बहुत बढ़ता है। आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि यू आर द गाय हु ब्रॉट द न्यू प्रोडक्ट टू हिम, और वो उस प्रोडक्ट को जब यूज़ करता है अपने एंड कस्टमर हाउस मेकर के लिए, हाउस जिसने घर बनाया है उसके लिए, तो उसके लिए वो वैल्यू एडिशन हो जाता है, उसके लिए वो एक एग्जांपल, एक शोरूम बन जाता है। तो अच्छी प्रोडक्ट के लिए ऑलवेज मार्केट में बहुत ज़रूरत है, और अच्छी प्रोडक्ट विदाउट इनोवेशन बन नहीं सकती। इसलिए मैं इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर करता हूँ।